सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। तो देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे एक टीवी टॉवर है, जो कि यहाँ पे ए बी से मार्क्ड देख रहे हैं, यहाँ पे टॉवर है और यहाँ पे एक कैनाल जा रही है। यहाँ पे देखिए कैनाल है, ये सी बी जो है ये कैनाल की लेंथ है, तो यहाँ पे ये कैनाल जा रही है, विड्थ है कैनाल की। तो कुछ इस तरीके से कैनाल जा रही है यहाँ पे, और कैनाल के एक साइड में क्या है, टीवी टॉवर है, और दूसरे साइड में एक पॉइंट सी है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टीवी टॉवर कितना है, 60 डिग्री है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इससे 20 मीटर दूर एक और पॉइंट है जो कि पॉइंट डी है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पे दोनों डेटा दिया हुआ है कि 20 मीटर दूरी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो कितना है, वो आपका है 30 डिग्री। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टॉवर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। सो हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करना है एंड विड्थ ऑफ कैनाल। इस क्वेश्चन को आप एक बार कंप्लीटली रीड भी कर सकते हैं, मैंने आपको समराइज वे में बता दिया कि क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए, हाइट ऑफ द टावर में क्या ले लेता हूँ, मैं इसे एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर को मैंने ले लिया एक्स, और विड्थ ऑफ द कैनाल क्या ले लूँगा मैं, ये एक्स हो गया, और विड्थ ऑफ कैनाल में ले लेता हूँ वाई, ठीक है। सो हाइट ऑफ एक्स हो गया, हाइट ऑफ टावर एक्स, और विड्थ ऑफ कैनाल वाई हो गया। अब एक एक करके जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक करके। सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, सबसे पहले ए सी बी ट्राइंगल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सो इसमें सबसे पहला ट्राइंगल होगा हमारा ए सी बी। सो इन ट्राइंगल ए सी बी, अब इस ट्राइंगल में देखिए आप 60 डिग्री के लिए 10 इसमें यूज़ करेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन देखना है हमें। सो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज़ एक्स, और बेस कितना है वाई। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, ये रूट थ्री के इक्वल होगा, बिकॉज 10 60 डिग्री रूट थ्री होता है। तो यहाँ से एक्स और वाई में देखिए क्या रिलेशन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा रूट थ्री टाइम्स ऑफ वाई, एक्स आ गया रूट थ्री टाइम्स ऑफ वाई। सो इसे मैं इक्वेशन वन ले लेता हूँ, ये मेरा इक्वेशन वन आ गया। अब इस डेटा को मैं किस में यूज़ करूँगा, जब ये दूसरा ट्रायंगल, जब मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाऊंगा तब इसमें यूज़ करूँगा। तो अब चलिए दूसरे वाले ट्रायंगल के लिए देखते हैं। अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना मुझे, जिसमें 30 डिग्री एंगल कंटेंड है। सो ये हो जाएगा ए डी बी। सो इन ट्रायंगल ए डी बी 10 30 यूज़ करूँगा मैं इसमें। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है, और बेस कितना है, 20 प्लस वाई, ठीक है। देखिए कंप्लीट बेस है, सो 20 प्लस वाई, और ये किसके इक्वल लिखूंगा मैं, 10 30 डिग्री विच इज 1/√3। अब चलिए इसे सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस वाली इक्वेशन को देखिए, एक्स यहाँ पे रूट थ्री मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ से इस तरफ ये 20 प्लस वाई यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं ऐसे यहाँ पे पुट करता हूँ, ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट थ्री इज इक्वल्स टू 20 प्लस वाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स की जगह पे क्या पुट करूँगा, रूट थ्री वाई यूजिंग इक्वेशन वन। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा रूट थ्री और वाई, ये तो एक्स की जगह पे पुट किया मैंने, और ये रूट थ्री अलग से चल रहा है, और यहाँ पे इक्वल में 20 प्लस वाई, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यूजिंग इक्वेशन वन। सो इक्वेशन वन को मैंने यूज़ करके यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या पुट किया है, रूट थ्री वाई, ठीक है। यहाँ पे अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करवाइए, तो ये तो थ्री हो गया, और वाई क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो जाता है थ्री, यहाँ से देखते हैं ये हो गया 20 प्लस वाई। तो अब y को इस साइड लेके आइए, तो सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि प्लस में तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 20। सो y की लेंथ कितनी आ गई आपकी, ये आ गया 20/2 विच इज 10। सो 10 मीटर आ गई y की लेंथ, और y क्या है आपका, y तो है कैनाल की लेंथ। सो ये है आपकी कैनाल लेंथ, ये कैनाल की विड्थ बोल सकते हैं, लेंथ बोल सकते हैं, ये कैनाल की विड्थ है। सो y आ गया 10 मीटर। अब मैं इक्वेशन वन को यूज़ करूँगा, सो यूजिंग इक्वेशन वन मैं वाई की जगह पे 10 पुट करूँगा। तो देखिए एक्स क्या है, एक्स दिया हुआ है रूट थ्री इंटू वाई, तो एक्स हो जाएगा रूट थ्री, और वाई की जगह पे मैं 10 पुट करूँगा। सो एक्स की लेंथ कितनी आ गई, ये आ जाएगी 10√3, और यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। तो ये लेंथ आपकी किसकी आ गई यहाँ पे, देखिए ये आपकी लेंथ हो गई है टीवी टॉवर की, ठीक है, यह है टीवी टॉवर, ठीक है। सो गाइज, ये था सॉल्यूशन आपके क्वेश्चन नंबर 11 का, एक्सरसाइज 9.1। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।